जो अभी नए नए जुड़े हैं वो एपिसोड 1 और 2 देख लें, और जो सदियों से हमारे साथ हैं उनके लिए वीडियो शुरू करते हैं। मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें। मेरे दोस्तों के क्या जवाब, कर दिया मेरा पेट खराब। देखो आज तक इतने प्यार से बात नहीं करी होगी जितने प्यार से आज करूंगा। अब एक भी प्लान अगर मेरे पास लेके आगे रेपट में हग दोगे दोनों, आज मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा, आराम से बैठा के उसे समझाऊंगा। भाइयों कुछ गड़बड़ मत करना, बस शांत रहना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी बात को समझो बेबी, मैं कहना ये चाहता हूँ, ना तो अभी मेरे पास पैसा है ना अभी मेरे पास नौकरी है। हम सबका पेट पालने के लिए नौकरी भी बहुत जरूरी है और पैसा भी बहुत जरूरी है। प्यार से पेट नहीं पलता, तो ऐसा भी कैसा प्यार कि लेना पड़े उधार। तुम हर बात को कैसे तोलती हो? अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मुझे यहाँ से भेज दो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने साथ रख लो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं करता प्यार। उसके कहने का मतलब है प्यार नहीं करते, ऐसा बोला है मैंने? नहीं कहा ना। बस तो फिर बात खत्म हो गई। तुमने कभी एक बात सोची है? जब कल को मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, छोकरी भी ढूंढ लेना अपने लिए अच्छी सी। इग्नोर। जब मैं अच्छी सी एक नौकरी ढूंढ लूंगा और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो क्या तुम्हें आने की जरूरत पड़ेगी? भगवान का शुक्र, कभी आने की जरूरत ही ना पड़े। ये कहना चाहता है भगवान का शुक्र है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। अमित खुद तुम्हारे घर जाएगा, तुम्हें वहां से लेके आएगा। बस इतनी सी बात, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? अरे नहीं है पैसा। जॉब भी नहीं है ना? हाँ वो भी नहीं है। तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ। अबे दोनों चकचुंदरो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इतनी स्वाभिमान, सुशील, शक्तिशाली, सर्वसम्मान लड़की के ऊपर उंगलियां उठाते थे तुम। कितनी प्यारी लड़की है, कितना मेरा ध्यान रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है अभी अंदर जाएगी, अपना बैग खोलेगी, उसमें से 1 लाख रुपए निकालेगी और सीधा मेरे मुंह पर फेंक के मारेगी और मेरा मुंह बंद कर देगी। भाई 50,000 रुपए मुझे दे दियो। 50 हमको? हाँ मेरा तो कुछ बनता ही ना है, सब मेरा ही खा लो, मेरे कपड़ा छीन लो, मुझे नंगा कर दो बिल्कुल। आ गई, निकाल दूंगा दोनों को घर से बाहर। अच्छा अमित, फोन का बिल है तुम्हारे पास? हाँ है। फोन दिखाना। ये लो। आईफोन 11 है। प्रो। आईफोन 11 प्रो है। कितना पुराना है? 3 महीने पुराना। 3 महीने पुराना है? हाँ प्लीज बेस्ट प्राइस लगा देना ना। बेस्ट प्राइस? हाँ यार, थैंक यू सो मच। बेस्ट प्राइस मतलब? मैंने तुम्हारा फोन बेच दिया है। मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के लाऊंगी, अब तो नहीं हूं ना मैं बोझ। अच्छा अमित, मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम तब तक मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करा दो, और विकास प्लीज नींबू पानी। मेरा फोन। ओ भाई मेरा फोन दिला दो यार। कर ली जिंदगी खराब लौंडियाबाजी में। राउंड 1 फाइट। किससे पूछ के टावल यूज कर रहे हो तुम? तुम्हारे फूफा विधायक से पूछ के कर रहा हूँ, टावल में भी कोई परमिशन लेनी होती है? अरे यार मुंह गीला था, पूछ लिया। तुम्हें पता है कितना अनहाइजीनिक होता है ये? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा कुछ भी यूज कर लोगे। ऊप्स। राजमा चावल बनाए, आजा खाएंगे। अरे दोस्त ने भी यूज कर लिया। अरे तो क्या हो गया? ये हो गया कि टावल तुम्हारे पास है, हमको नहाने जाना था। हो गया, यूज नहीं करना था क्या? सॉरी पर अब तो यूज कर लिए। एक और दोस्त यूज करके चला गया। अरे यार हम लोंडों का चलता है, हम एक दूसरे की चीजें शेयर करते हैं, कभी वो मेरा कच्चा पहनेगा तो मैं उसका बनियान, हम लोंडों में ये सब चलता है। और कल तुमने मेरी टी शर्ट पहन रखी थी, मैंने तुमसे एक भी बार कहा कि क्या ये हाइजीन अनहाइजीन कर रही हो तुम? तो मांग लेते तो दे दो। वो टी शर्ट तो मेरी हो गई। You win. अमित एक काम करोगे? क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो क्या? नहीं, खेतों की खुदाई कर रहा हूं। अबे देख नहीं रहा क्या? चेहरे पर मुस्कान है,
हाथ में मोबाइल है तो गेम ही खेल रहा। भाई तो कोई धांसू गेम लग रही है। तो तेरा भाई कोई छोटे काम करता भी नहीं है। ये देख, ये है फ्री फायर, तो फुल एक्शन है। दिखाओ 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 दिखाओ। ये कोई कपड़े की दुकान है। अपने फोन में डाउनलोड कर, 5 जुलाई को लॉगिन करेगा ना तो फ्री इमोट भी मिलेगा। खेलता जा और परमानेंट लेजेंडरी गन स्किन ले ले, और 25 जून से 9 जुलाई तक रैम्पेज टोकन कलेक्ट कर, एक्सचेंज में फेमिन फैलन बंडल मिलेगा। चल अब निकल ले। अच्छा काम करो, हमारे 100 रुपए का रिचार्ज करा दो, हमको जरा सेटिंग से बात करना है अपनी। सेटिंग तुम्हारी है, रिचार्ज मैं करवाता फिर हूं, तुम्हारा अलग ही सिस्टम चले यार। भाई आज कुछ अच्छा सा खाने को मन कर रहा है यार। हाँ खिलाता हूँ ना, चप्पल खा ले मेरी। अरे चप्पल नहीं, कुछ अच्छा सा छोले भटूरे और ठंडी लस्सी तो ऑर्डर मार दे, हम इतने कमरे में बैठे हैं। चलो करो करो ऑर्डर। राउंड 2 अमित फाइट। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे दोस्त कुछ ज्यादा ही तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं? अरे नहीं ऐसा नहीं है, हम दोस्तों में इतना चलता है। अरे दोस्त है मैं मानती हूँ, पर अपना खर्चा तो खुद उठा सकते हैं ना? हाँ उठा सकते हैं, लेकिन अभी नौकरी नहीं है ना। नौकरी तो तुम्हारी भी नहीं है अमित, मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। देखो तुम्हारी भी तो लाइफ है ना, तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज क्यों कराओगे? हाँ तुम्हें तो बात करनी चाहिए अमित। KO You lose। भाभी जी आप इतना स्ट्रगल करती हो ना, हमें सच में सबको बहुत बुरा लगता है। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको जो भी काम कराना है ना अपना, ये रहा बापू, इसे एक बार बजा दो। अमित 1 सेकंड में हाजिर। अब यही दिन देखना रह गया था कि वो भोंपू बजाएगी और तुम करते पहुंच जाना उसके पास। अरे इसीलिए बड़ा किए थे क्या तुम्हारे घर वाले तुमको? ऐसा लग रहा है जैसे वो मालकिन है और तुम कोई क्लर्क हो। जाओ जाओ, बुला रही है मालकिन, जाओ जाओ। KO दीदी, मुझे ना एल्जेब्रा में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है जो मुझे एल्जेब्रा पढ़ा दे? यार एल्जेब्रा तो मुझे नहीं आता। सुनो तुम में से एल्जेब्रा किसे आते हैं? जेब्रा, वो तो देखा है मैंने टीवी पे। नहीं हम तो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। एल्जेब्रा मैथ्स में होता है, किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। अब मेरी प्यारी सी बहन को एल्जेब्रा कौन पढ़ाएगा? एल्जेब्रा में तो मैंने PhD कर रखी है, और हमको तो प्यार से लोग एल्जेब्रा बुलाते हैं। तो मतलब पढ़ा दोगे ना? 100%। ओके बाय, पढ़ा दो। हेलो भैया। भैया, अबे तुझे भैया बोल रही है? हमको काय बोलेगी, तुमको भैया बोली होगी। अबे तू इतना सुंदर है, तू लगता है इसका भैया? अरे हम सुंदर तो हम भैया काय लेंगे, तुम सुंदर नहीं हो, तुम भैया हो इसके। अरे भाई तुम दोनों की शक्ल मिलती है, तू भैया लगता है। तुम भैया लगते हो, ऐसे पूछ रहे थे, कौन भैया बोल रही हो बे? अरे मैं आप दोनों को हेलो बोल रही हूँ। हेलो 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 दोनों भैया, हेलो। क्या इंटरनेट अटक गया क्या? हेलो। अबे क्या खेल रहे हो? लपड़ झंडीस, सब काम खराब कर दिए तुम। हेलो भैया, आपको भी। भैया कौन थी? बहुत दिन हो गए कुमार सानू और अल्ताफ राजा के गाने सुने हुए। गोलमाल हेरा फेरी, कोई पिक्चर नहीं चलती इस घर में, खाली अंग्रेजी पिक्चरें चलती हैं। चुप, खामोखा चिल्लाए जा रहे, उसने सुन लिया तो? बड़ा साफ है, हमारा घर तो नहीं लग रहा। जा तो रही है वो, कल चली जाएगी ना कल। अबे मुफ्त खोरो। मकान मालिक, किराया निकालो नहीं तो अभी पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। अरे जाओ बुला लो, वैसे भी ना अब हम तीनों की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। क्या हो बेटा? क्या ही बताऊं आपको अंकल जी। अरे मत बताओ, पूछ लो ना एक बार। अच्छा चलो बता दो। बता भाई। आउच। तुम बताओ। अरे वो अमित की गांव में, हमारे गांव में बाढ़ आ गई,
हमारे खेत बहक है ना दूसरे गांव में चले गए, अब हमारे खेत हमारे गांव में ना रहे दूसरे खेत में चले गए। मेरे पापा 50 किलोमीटर दूर खेती करने जावे, उनपे बाइक ना थी, हम तीनों ने पैसे इकट्ठे करके बाइक दिया उन्हें, अब हम कंगाल है। अबे ओवर एक्टिंग मुझ पे ही अच्छी लगती है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कौन सा गांव है तुम्हारा? धूम दोरे दादरी दादरी दोरे छेजा मकान मालकिन की लोंडिया नुकरी मोए बिन भी आए ले जाओ। कुछ भी बोल रहा हूँ जो मेरे मुंह से निकल लिया है। I'm sorry। ओ तुम तो रोने लग गए बेटा। कोई बात नहीं, अगले महीने दे दोगे ना किराया? हाँ हाँ अगले महीने तक तो हम लोग भाग्यशाली हैं हम कि हमें आपके जैसे मकान मालिक मिले। थैंक यू। हम आपका 3 महीने का किराया ना अगले महीना दे देंगे। जब तक तो हम पे ट्रैक्टर आ जाएगा, जो हमारे खेत उड़ के गए ना उन खेतों को हम ट्रैक्टर से खींच के अपने गांव में ले आएंगे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बच गए। ए, हमारी खानदानी पेंटिंग का क्या कर दिया तुम लोग? वो एक्चुअली ना घोड़ों को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैगी खिला दूं। अबे ये कौन है? कौन? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कोई भी नहीं है। अरे हमने 3 लोग रखे थे, ये कौन है? ये लड़की कौन है? मिस्टर इंडिया है क्या कोई? भाई तुझे कोई लोंडिया दिख रही है? भाई मैं तो लड़की देखे भी सालों हो गए। भाई तुझे दिख रही है कोई? हाँ ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हमको तो नहीं दिख रही, कोई भी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? अरे अमित ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। अरे यार वैसे ही ना खाना पच रहा, ऊपर की ओर दिमाग है या कतई कचरा। कौन है ये? मेड है हमारी, ये हमारे घर की सफाई करती हैं, हमें खाना खिलाती हैं। अच्छा मतलब मेड रखने के पैसे हैं पर किराया देने के नहीं है। बहुत मौज आ रही है बेटा। कल तक 3 महीने का किराया और 3 लाख रुपए इस पेंटिंग के दे देना, नहीं तो पुलिस को बुलवा दूंगा, समझे? ये 3 लाख की पेंटिंग है? अरे ऐसे ही बेच कर करा दे देते हम तो 3 महीने किराया। कल ही डंडा लोगे तभी किराया निकलेगा बता सर मेरे। अरे मेरे यार थोड़ी देर तुम अंदर नहीं छुप सकती थी? करवा दिया ना पूरे का पूरा सत्यानाश। हो मुझे तो पता ही था कि तुम हमारा रिलेशन सबसे छुपाना चाहते हो और तुमने मुझे मेड कहा। मेड ना कही, मैड कही। मैड पागल हो तुम? यार मैं ना बहुत ही बुरा लड़का हूँ, मुझसे दूर चली जाओ तुम। ऐसे कैसे? जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, प्यार किया है तो निभाती रहूंगी। तो फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। हेलो अंकल जी, मैं आपकी बेटी के फोन से कॉल कर रहा हूँ, वो अपने बॉयफ्रेंड का खून पी रही है, आके ले जाओ उसे। मेरा फोन? क्या क्या कह रहे हो अंकल जी? हेलो हेलो क्या बोल रहे? अरे वो कह रहे हैं उसको तुम अपने पास ही रख लो, जब से घर से गई है ना घर में बहुत शांति है, उस आफत को अपने पास ही रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मेरे फोन से कॉल करने की? ये लो अपना फोन। मैं कैसे करता अपने फोन से, मेरे पास नंबर थोड़ी है उनका। देख रहे हो अमित, मैंने बोला था ना तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे पैसे पे बलने वाले कुत्ते हैं। ए! ए! देखा देखा अमित, आज डिसाइड कर ही लो, या तो तुम्हारे साथ ये मुफ्त खोर दोस्त रहेंगे या मैं। चलो भाई जाओ, तुम दोनों अंदर जाओ, जल्दी डिसाइड करो अमित। चलो भाई जाओ तुम। अरे बोला ना जाओ यार। ए, पूरी बात सुनी तुमने मेरी? सामान पैक कर दो इसका और कैब बुक कराओ इसकी। अमित पर यार मेरे सारे सिंपल भाई, ये पुराना है नया सुना? लेटेस्ट सुनना है ना, तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। बावली तू क्या सोचे इन्हें खरीद लेगी तू बाजारों में? अरे मेरे खास हैं ये, नुईना मिलते हैं हजारों में। एक बार और सोच लो अमित। अरे मेरी जान
आ गए लाइन पे, मुझे तो पता ही था। जब बाहर जा रही हो ना तो गेट के कुंडी लगा के चाहिए। क्या है ना, हमारे यहाँ मच्छरन की बड़ी दिक्कत है, अब आप जा सको। बोरिया बिस्तर बांध के भागने की तैयारी करें, अभी ब्रेकअप पार्टी भी तो रहती है। तुमसे अरे सुबह मम्मी का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूं, गेट खोलो। देखो अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो बहुत गंदा मजाक कर रही हो तुम। कर रहा हूं मम्मी जी, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूं आपको। और क्या तुम इतनी रात में मुझे व्हाट्सएप पर लड़की का फोटो भेज रही हो रिश्ते के लिए? अभी मेरी उम्र कोई है शादी की? घर के बाहर खड़ी हूं, गेट खोलो। मम्मी ने लड़की देखी है रिश्ते के लिए। 10 घंटे हो गए गेट खटखटाते खटखटाते, सारा काम खुद ही करना पड़ेगा यहां। तू देखियो ए कैसी है, तो घर छोड़ के। मयंक कानपुर में हड़ताल है क्या? कितनी देर से बोल रही हूँ गेट खोलो गेट खोलो। अभी फोटो आया, तुम भी अभी आ गई।